जो बोध की बात है गुरु जी, कि बोध कोई घटना है कि कुछ घटा इस शरीर में और बोध हो गया, कई लोग ऐसा मानते हैं, या बोध एक विचार कुछ या फूट गया और बोध हो गया? बोध का मतलब है जो मैं है ना, जो अहंकार हमारे अंदर में, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, यह जो मैं है, जिसे घड़ा फूट गया और घड़ा का जो जल है पूरे सागर में मिल गया, तो इसी तरह से मैं जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है, इंडिविजुअल जो आई है, जो मैं, एक तो वो आई है जिससे कि अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, या मैं ही ब्रह्म हूँ कहा जाता है, वह उसको कहा जाता है, ये वाला मैं नहीं, यह मैं की विलीनता को ही बोध कहा जाता है, मात्र विलीनता को बोध कहा जाता है। अब ये विलीन कैसे होता है? देखो, कोई ध्यान कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि सब कुछ ठहर गया उसके लिए, ऐसा लग रहा है कोई गाजा भांग पिया हुआ है, आंखें ठहर गई है, मानो कि सब कुछ धीरे धीरे छूट रहा है, इसी जगत में सब छूट रहा है, शून्य हो रहा है, बोध नहीं हुआ है लेकिन छूट रहा है, जा रहा है, शून्य शून्य लग रहा है। उसके कई दिनों से ऐसे ही लगने लग जाएगा, अंदर से खाली खाली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई दिनों से ये लगेगा, ऐसे ही लगने लग जाएगा, और कई दिनों के बाद, क्योंकि ये बोध से पहले ये कट जाएगा सारी जगत से, बिल्कुल अंदर एकदम खालीपन, एम्प्टीनेस आ जाएगी उसके अंदर। और जब कुछ भी हो, कुंडलिनी शक्ति के बाद कभी वो जागृत हुई, कुछ घटना घटी, या निर्विकल्प समाधि में चला गया उसके बाद, और एक बार से ही उसके सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र सब खुल गया, तो उस स्टेट में तो वो था, क्या हुआ ये कहना पहली बात है मूर्खामी है, मूर्खपन है, मतलब उसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही आंखें खोला, तो ये जो अंदर चिंगारी रूपी जो जीव अभी भी है, जो शरीर है, अब वो नहीं रहा, क्योंकि वो बाहर हो गया, अंदर हो गया, हर जगह हो गया, समझ रहे हो डोली चले। तो मैं अब ये निर्विकल्प समाधि में जो मैं है वह खत्म हो गया उसका, इसे खत्म होने को ही कहा जाता है आत्मबोध। अब वो नहीं रहा, वह परम चेतना जो है समग्रता के साथ एक होकर अब अंदर से वही हो गया, उस बोध में उसके राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इस तरह से जलकर भस्म हो गए कि बाहर की कोई भी चीजें अब उसको अपनी ओर खींच नहीं सकती है, वो जहाँ है पूर्ण है, मतलब परमात्मा ही जहाँ है वो पूर्ण है। तो वो जीव के इस जो शरीर है, एक छोटा सा कोई संकल्प सेवा रह गया, तभी भी वो जहाँ है वही पूर्ण है। जैसे कहा कि गंगा के किनारे उसको 15 साल रहना अकेले, अकेले वहीं पूर्ण है वो, उसको कोई नहीं चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, ना कोई व्यक्ति चाहिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कोई सहायता चाहिए, किसको चाहिए? मन को चाहिए, अहंकार को चाहिए, वो है ही नहीं, वो पूरी के पूरे वो स्वयं खाली है, वो गंगा में भी है, गंगा में के बाहर भी है, अंदर भी है, हर जगह है, कि गंगा में शून्यता नहीं है, गंगा उसमें है, वह गंगा में होने की जरूरत ही नहीं है। आप शरीर के अंदर थोड़ी हो, शरीर और ये पूरे ब्रह्मांड आपके अंदर है, सिर्फ शरीर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो वो अकेले कैसे है? पूरे ब्रह्मांड उसके अंदर है, तो ब्रह्मांड के साथ है वो, और उसके लिए समय ही नहीं है, समय बिल्कुल शून्य हो चुका है, 1 घंटा समय क्या होता है, इसको बोध है होता ही नहीं उसका। तो जब यह अवस्था किसी में आ जाती है, प्रकृति की कोई भी चीज उसको छू ना पाए, यानी कि प्रकृति की किसी भी चीज से लगाव है ही नहीं, सब मिट गया, खत्म हो गया, परम शांति और सत्य में है, इसको बोध कहा जाता है।
यही बोध है। ये ज्ञान से नहीं, ज्ञान आपको तैयार करता है। एक बार ज्ञान क्या, यू हैव टू लर्न, क्यों? ज्ञान तैयार करेगा कुछ साधना करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भक्ति के मार्ग पर नाचने के लिए, झूमने के लिए, चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए। भक्ति भी ज्ञान से ही शुरू होता है। भक्ति क्यों करना है, किसका करना है, भक्ति करने से क्या होता है, वो ज्ञान से शुरू होता है। हर चीज़ का जन्म ज्ञान से हो रहा है। लेकिन गुरुजी, जो एक ज्ञान मार्ग भी एक रास्ता बताया, तो उसमें कैसे निवृत्ति हो सकती है? बता रहा हूँ, तो ही बता रहा हूँ, तो ज्ञान से ही शुरू होता है। तो ज्ञान हम लेते लेते हमारे चित्त में ज्ञान उस स्तर पे जाता है और हमें तैयार करता है थ्योरेटिकली, क्योंकि थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर हो गया। क्योंकि पहले तो संशय रहता है कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। कोई गुरु को मिल गया तो गुरु को भी पकड़ेंगे, इनमें है व्यवस्था या नहीं है, ये झूठ है या सच है, ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। तो ज्ञान इसकी क्लैरिटी लाता, एक क्लियर परसेप्शन का जन्म देता है ज्ञान, और इल्यूजन को धीरे 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 दूर करता है। ये इल्यूजन है और ये है। जब क्लैरिटी आ गया, हृदय शुद्ध हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, तो धीरे से ज्ञान में रहते रहते जब हार थक जाएगा, जो सारा सीखा हुआ जो है वो भी छोड़ देगा, किताबें भी छोड़ देगा, क्योंकि वो अवस्था तो नहीं मिली उसको। हो सकता है ज्ञान ज़्यादा लेकर अहंकार भी तो हो सकता है, कहीं भी कुछ बात छिड़े और खड़ा होकर आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू कर देगा, क्योंकि भरा हुआ है। और हर लोगों को ये पसंद है खाली होना, किसी को भी देखना वो खाली होना चाहता है, किसी को भी पकड़ ले तो बातें बोलना चाहता है, बातें एक घंटा सुना दे तो वो खाली महसूस करता है। क्यों सुनाना चाहते हैं, क्यों नाचना चाहते हैं, क्यों घूमना फिरना लोग चाहते हैं? क्योंकि खाली होना चाहते हैं जो अंदर है। तो ज्ञान भी आपको तैयार करता है, और ज्ञान के मार्ग से आपने तैयार हुआ, नाच गाकर झूम कर नहीं, भजन करके नहीं, गीत गाकर नहीं, कीर्तन गाकर नहीं, ढोल ताल बजाकर नहीं, तबला बजाकर नहीं, पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर अपने आप को तैयार कर लिया उसके लिए। और एक दिन वह समय आएगा, हो सकता है खेत में काम कर रहे हो सकता है किचन में हो सकता है बिस्तर पे हो सकता है कहीं हो, देखोगे कि अंदर ही अंदर वो जो परम अवस्था की बात की जा रही है, वो सारे ज्ञान जो आपके लिए सीढ़ी बना हुआ था वो पीछे ढह गया, मिट गया, ज्ञान भी हो गया। कैसे ज्ञान गया? कि ज्ञान को होने के लिए आपकी इंडिविजुअल चित्त की होना जरूरी है। एक ज्ञान स्टोर कहाँ रहेगा? आपके इंडिविजुअल माइंड में रहेगा। वो सब चला ही गया, तो अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे जो कुछ ही इकट्ठा हमने किया था वो तो पिछल गया, तो गया। आप तो बाहर कहीं भी हर जगह, तो ज्ञान मार्ग से गया। और एक दिन हो सकता आंखें बंद हो गई या आंखें खुले खुले वही घटना घटी जो किसी के साथ भक्ति मार्ग में जाता है और अचानक से वो घटना घट जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आधा घंटा, एक घंटा, पाँच घंटा, दस घंटा निर्विकल्प समाधि में ही बैठे हैं। इसके लिए अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता है। और हो सकता है ये इतनी तपस्या, इतनी तप किया है, इतनी कष्ट किया है कि इसकी चित्त बहुत शुद्ध है, तुरंत ये एकाग्र हो जाता है। बस कोई गुरु के तलाश में होता है, थोड़ा सा धक्का मार दे और चला जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो बैठता है तो तुरंत एकाग्र होता है, आप बैठते हैं तो आपका चिंतन मनन चल रहा है। ज्यादा चिंतन मनन चलने की अवस्था से ही ये प्रमाण है कि आपकी चित्त अभी शुद्ध हुआ नहीं है। क्यों? कि वासनाएं हैं, वहां से चिंतन मनन चल रहे हैं। जिसका शुद्ध हो गया, अभी बोध हुआ नहीं है, उसके पहले भी कोई आंख बंद करता है तो चिंतन मनन नहीं चलेगा, बहुत कम है। एक ही विचार पर जब एकाग्र हो जाता है, एक बिंदु पे एकाग्र हो जाएगा या तो श्वास पे एकाग्र हो जाएगा, तो अभी इसको कहा जाता है अभी वह कंसंट्रेशन घटी, उसका एकाग्रता घटी है, अभी भी ध्यान नहीं घटा है। ध्यान बोलते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो कर रहे, ध्यान थोड़ी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी ध्यान की एकाग्रता की प्रैक्टिस कर रहे हो। जब एक बिंदु और एक विचार
ये दोनों के एकात्म होता है, मतलब दोनों का एक दूसरे में विलीनता होती है, ठहर गए एक पे, तो ये हुआ एकाग्रता घटी। इस एकाग्रता के बाद जिस चीज पे आप ध्यान लगा रहे थे, इधर कौन लगा रहा है, हेलो समझना है, कौन लगा रहा है ध्यान, वो गायब हो गया, लेकिन जिसमें हम ध्यान कर रहे थे वो है, करने वाला गायब हो गया। तो ये ध्यान है। इसके पहले वाला चरण क्या था, एकाग्रता, ध्यान करने वाला नहीं रहा, जिस पे ध्यान लगाया जा रहा था बस वही रह गया, पता नहीं चला, एक डिटेचमेंट की स्थिति है। ये पहली बार आपके अंदर ध्यान घटी है, मतलब ध्यान घटा, जिस पे ध्यान लगाया जा रहा था वह भी गायब, जो लगा रहा था वह भी गायब। ये क्योंकि वह है तो अभी तक कोई विकल्प है ध्यान में, तो अभी तक विकल्प है, जब वह भी गायब, इधर तो गायब ही हो गया है, तो है संकल्प विकल्प रहित निर्विकल्प समाधि की स्थिति। उस स्थिति में कोई भी हो सकता है, खुली आंखों में वो शुद्ध बुद्ध खो दे या समाधि में कहीं के लिए चले जाए। और आपको बता रहा हूँ, आप अगर ध्यान इतने करोगे इतने करोगे, रात दिन 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा, इस संकल्प को लेकर कि या तो मेरी मृत्यु या तो निर्विकल्प समाधि, जैसे राम बुद्ध की कहानी सुनते हो, कहानी नहीं बताऊंगा, बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं लंबी हो जाएगी लेक्चर, खाना पीना छोड़ देंगे या तो मर जाऊंगा, तो ये कैसे नहीं घटी, तो एक तरह से ये घट जाती है। और ये ज्ञान मार्ग में अपने आप को इतने चित्त को शुद्ध कर लिए, एकाग्र कर लिए है, कहीं बैठे बैठे किसी भी तरह से यही बोध हो सकता है, ये बोध हो सकता है। लेकिन हमारे मार्ग में हमेशा से मैं ज्ञान मार्ग के लोगों को उस दृष्टि से देखता हूँ, या मुझे नहीं देखते हैं पूरी निवृत्ति की अवस्था में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्ञान से ही समझ लेते हैं कि यही है। इसीलिए जिसको निर्विकल्प समाधि लग जाती है उसके सारा संशय भ्रम डाउट्स क्लियर हो जाता है, नाभि लगी उस प्रकार से, तो धीरे धीरे कैसे मर रहा है और मैं पिसल गया, जो गुरु बता रहे हैं उसको अपने अंदर ही देखूं। जब अंदर कोई चाहत ना बचा, कोई इच्छाएं ना बची, कोई इधर खींच रहा है ये ना बचा, तो सोचोगे खत्म, इतने बोलेंगे इस पर, ठीक है।